हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनब्रिगर? मैनब्रिगर से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन दी साइलेंट फीचर्स। महात्मा गांधी नेशनल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये प्रोग्राम था, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफिकेशन देखना है। इस प्रोग्राम को कब इम्प्लीमेंट करा गया था, कैसी इसकी भूमिका सेट करी गई थी, कहाँ तक इसने इस प्रोग्राम ने अचीवमेंट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इवॉल्विंग द डिजाइन ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू द मोर इफेक्टिवली फाइट पॉवर्टी, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005 के अंदर ही सबसे पहली बार ये बिल्डअप करा गया था। विच इज लीगल फ्रेमवर्क एंड द राइट बेस अप्रोच मैन provides the employment to those who demanded. He provide उन लोगों को employment करता है जिनकी demand employment की होती है. And it is the paradigm shift from the earlier programs से धीरे-धीरे shifting हमारी चलती जा रही है. Notified on the September 7, 2005, Mandriga aims at enhancing the livelihood security by providing at least 100 days of the guaranteed wage employment. 60 दिन का guaranteed wage employment है हमारे पास in the financial year to every rural household whose adult member volunteer to do unskilled manual work. जहाँ पे unskilled manual work को करना एकदम लाजमी है। The act cover 200 districts in its first phase के अंदर 200 districts यहाँ पे conclude करता है, implementing on February 2, 2006 and was extended to 130 additional districts in 2007-8 के अंदर additional districts की यहाँ पे cover की जाती है। All the remaining rural areas have been notified with an effective from the 1st April 2008. सारी जो notified effective areas है वो 1st April 2008 तक हैं। During the financial year 2011-12, the scheme has provided the employment to around 5 crore households through about 74 lakh works with a more than 212 crore person days of employment being guaranteed at a total expenditure. ये जो total expenditure है वो basically इतना guaranteed है of 37,650 crores का। The average wage rate per day has increased from 65 in 2006-2007 के अंदर 65 है to about 117 तक जाता है 2010-11 के अंदर। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं हमारे इस एक्ट के अंदर क्या है। राइट बेस्ड फ्रेमवर्क For the adult members of the rural household willing to do unskilled manual work, जो willingness है हमारे पास unskilled manual work की, टाइम बाउंड गारंटी यहाँ पे सेट कर रही है। 15 डेज का प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी हाउस होल्ड को जो एक्चुअल डिमांड किया कर रहा है इसको। लेबर इंटेंसिव 60-40 वेज इन द मटेरियल रेशियो फॉर द परमिसिबल वर्क एट द ग्राम पंचायत, नो कॉन्ट्रैक्टर्स मशीनरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मशीनरीज यहाँ पे नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, ग्राम सभा टू रिकमेंड वर्कर्स, ग्राम सभा बिल्ड पूरा की है। एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क फॉर द ग्राम पंचायत फॉर एग्जीक्यूशन के लिए 50% ग्राम पंचायत के लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल रोल ऑफ द पीआरआईज इन प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग लोग यहाँ पे हैं। वर्क साइट फैसिलिटी, क्रैश ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एंड द शेड प्रोवाइड एट वर्क साइट के अंदर फर्स्ट एड वगैरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी गई है। वर्क एम्प्लॉयमेंट, वर्क वुमेन एम्प्लॉयमेंट, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द वुमेन इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 1/3 of the beneficiary shall be the woman, 1/3 जो beneficiary है वो woman है who have registered and requested for the work under this act, तो इसको request कर रखा है work के अंदर इस act के अंदर। Transparency and accountability, transparency और accountability किस हिसाब से चल रही है। Women empowerment, priority shall be given to the woman in such a way that at least 1/3 of the beneficiary shall be woman, 1/3 जो beneficiary वो woman होनी चाहिए who have registered and requested for the work under this act, जो कि registered है इस act के अंदर work करने के लिए। Transparency and accountability, proactive disclosure through the social audits, grievance redress mechanism भी होना चाहिए कि proper care कर सकें जो भी उनको problems आ रही हैं। Next है funding भी एक बहुत major feature है इस program का। 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% इस इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के से आता है। द ग्राम पंचायत इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर एग्जीक्यूशन वर्क एज एक्ट मैंडेट्स इन मार्किंग इन द मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द वर्क्स इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट के टर्म्स के अंदर 50% वर्क यहां पे कंक्लूड करा जाता है टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत जो एग्जीक्यूट करती है। दिस इज स्टैच्युटरी मिनिमम अप टू 100% ऑफ द वर्क मे बी अलॉटेड टू द ग्राम पंचायत, 100% वर्क अलॉट करा जाता है ग्राम पंचायत के थ्रू इन द एनुअल शेल्फ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो एनुअल शेल्फ के अंदर इन्वॉल्व करा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर।
द अदर इम्प्लीमेंटेशन, द अदर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कैन बी इंटरमीडिएट. जो अदर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है वो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट पंचायत लाइन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट की है वो इम्प्लीमेंट करी जाती है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी सेट करी जाती है. कॉर्पोरेट सोसाइटीज विद द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर कॉर्पोरेट सोसाइटीज भी बिल्डअप करते हैं. एंड डेप्यूटेड एनजीओस हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए ट्रैक रिकॉर्ड्स भी सेट करे जाते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मे आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पॉसिबल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी कंसीडर करा जाता है यहाँ पे पॉसिबल एजेंसीज के अंदर इंप्लीमेंट करते हुए. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन द लास्ट सिक्स ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट सेवरल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द शेड्यूल्स ऑफ द मनरेगा टू फैसिलिटेट इट्स इम्प्लीमेंटेशन. बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए. दीज इंक्लूड्स अमेंडमेंट्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे इंश्योर करी जाती है रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द जॉब कार्ड्स, जॉब कार्ड्स की कस्टडी हो एंड डिटेल्स टू बी कंटेंट इन दैम, और जो भी डिटेल्स यहाँ पे कंटेंट करे जा रहे हैं इन सबके एंड के ऊपर. डिस्बर्समेंट ऑफ द वेजेस टू द बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के अंदर डिस्बर्समेंट चल रहा है हमारे पास. मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन करना है. प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हैं. एंड द प्रोसेसेस एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट्स के अंदर क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रखे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं. सबसे पहला है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मनरेगा ने एक मोस्ट इफेक्टिव ICT इनेबल्ड पब्लिक इंटरफेस बनाया है मनरेगा NIC.in के अंदर. इट इज फुल्ली फंक्शनल, जो फुल्ली फंक्शनल है. द आर्किटेक्चर ऑफ MIS इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीजर ऑफ द एक्ट, जिसके अंदर सारे लीगल प्रोसेसेस जो भी होने वाले एक्ट के अंदर वो सब चीजें मेंशन है. ऑल द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. सारे फिजिकल और सारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो भी है डेटा के वो बेसिकली पब्लिक डोमेन के अंदर ही अवेल हम कर सकते हैं. सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट इनेबल्स द रूरल कम्युनिटीज टू द मॉनिटर. सोशल ऑडिट बेसिकली रूरल कम्युनिटी के अंदर मॉनिटर कर सकते. सोशल ऑडिट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल बाय विच द पीपल कैन इम्प्रूव एंड डाइवर्सिफाई द स्ट्रेटजीज. सोशल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम डाइवर्सिफाई स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर सकते हैं टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा, जो क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं. द मिनिस्ट्री इज अकॉर्डेड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द ऑर्गनाइजेशन ऑफ द सोशल ऑडिट बाय द ग्राम पंचायत. जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गनाइजेशन के अंदर ऑडिट्स के लिए, ग्राम पंचायत के लिए. एंड इशू द इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट टू मेक द नेसेसरी एंगेजमेंट फॉर द पर्पज. और उस पर्पज के लिए हमको कोई ना कोई नेसेसरी अरेंजमेंट्स की भी हमको जरूरत पड़ती है. द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑडिट ऑफ द स्कीम्स रूल्स 2011 हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड शेयर्ड विद द स्टेट ड्यूटी. स्टेट ड्यूटीज फॉर द एक्शंस. एक्शंस के लिए स्टेट ड्यूटीज के अंदर यहां पे रोल सेट करा जाता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ऑम्समैन फॉर द इफेक्टिव ग्रेवियंस रिड्रेसल. क्या क्या ग्रेवियंस रिड्रेसल हमारे सेट होते हैं. द ऑम्समैन विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन से हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं. ऑम्समैन विद अ वेल नोन पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी हु हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जिनके पास एक्सपीरियंस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के अंदर, लॉ के अंदर, अकेडमिक्स के अंदर या सोशल वर्क के अंदर, उनको ही इन्वॉल्व करा जाता है. इट विल एन एजेंसी इंडिपेंडेंट फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी का नाम है ये. द ऑम्समैन विल रिसीव द कंप्लेंट्स फ्रॉम द मनरेगा वर्कर्स. यहां से ये कंप्लेंट को लेते हैं. एंड अदर्स ऑन एनी मैटर कंसीडर सच कंप्लेंट्स एंड फैसिलिटेट देयर डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. और लॉ के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट की डिस्पोजल करता है इन सब चीज प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन. ट्रांसपेरेंसी इन द एक्यूजिशन ऑफ द वर्क्स. वर्क्स की एक्यूजिशन को कैसे ट्रांसफर करते हैं हम. टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एक्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. वर्क की एक्जीक्यूशन के लिए जो जो ट्रांसपेरेंसी है, स्टेट हैज सजेस्टेड टू अपलोड 3 फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्क साइट. वर्क साइट के 3 फोटोग्राफ्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. नेमली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, वर्क को स्टार्ट कैसे करना है. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, वर्क के एग्जीक्यूशन के अंदर. एंड कंप्लीट द वर्क, और वर्क को कंप्लीट किस तरीके से करना है. प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर. State has been suggested to the upload 3 photographs. 3 photographs उनको अपलोड करनी पड़ती है वर्क साइट के अंदर. नेमली बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क, वर्क स्टार्ट होने से पहले. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क एंड कंप्लीटेड वर्क. एजुकेशन, वर्क के एजुकेशन से पहले. और वर्क कब तक कंप्लीट हो सकता है. प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर.
स्टेट हैज बीन सजेस्टेड टू द प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं थ्रू द सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड्स रिगार्डिंग आउट मस्टर रोल्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अटेंडेंस वर्क डन, कितना अटेंडेंस है, कितना काम किया है, कितना वेज हम पे करते हैं. Payment through the banks and the post offices. Wages are being paid to the beneficiary under the manner of post office ke through payment diya jata hai. Saving bank accounts khole jate hain wahi pe. As of now, more than 9.8 crore saving banks and the post office accounts have been opened across the country. 9.8 crore saving banks ab tak open ho chuke hain puri country ke andar is scheme ke andar. मनरेगा की कुछ प्रॉब्लम्स भी है वो भी हम देख लेते हैं. वन प्रॉब्लम्स इज द स्पेशल स्कीम्स मनरेगा वाज इट्स दैट द वर्कर्स आर यूजुअली टेकन अप द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरली मे बी शोन एज द मनरेगा. रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी वो लीड कर लेते हैं कई बार. वर्क्स फॉर द फंडिंग बाय द सेंटर, सेंटर की फंडिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल नॉट बी एनी सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द स्टेट. एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता है. फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट डेटा वी फाइंड दैट इन अ 9 of the 15 major states के अंदर जो भी 9 स्टेट है, the observed wage to earning members of the rural labor household is less than the statutory minimum wage. वो भी less, statutory minimum wage से भी बहुत कम होती है. If the workers under the mandriga are paid the statutory minimum wage, अगर कोई भी minimum wage वो pay करते हैं, it might will attract the participation from the non-poor as well. Non-poor से भी कोई ना कोई attraction वो face कर सकते हैं. The provision for the unemployment allowances if the work is not provided within the time period specified is meaningless. वो provision जो unemployment के अंदर है, allowances के अंदर है, अगर कोई भी work provided किया जाता है time period के अंदर, वो meaningless है. There has been a provision in the Maharashtra Employment Guarantee Scheme also, but it remained only on the paper. ये paper के अंदर ही made हुआ है, मतलब इसको implement नहीं करा है बहुत सारी चीजों को. Some doubt the efficiencies of the scheme. This is because of the gap between the predominantly central funding of the schemes and the predominantly state local responsibility of its administration. ये भी एक है कि powers जो है वो बहुत ज़्यादा divided है, इसलिए implementation proper नहीं हो पाता है. The financial burden of the scheme needs to be examined. Financial burden ko bhi examine karna padta hai. It is believed that the draft act has been diluted for the financial reasons. Financial reasons ke andar ek draft set karna padta hai. According to the Jayati Ghosh, about around 40,000 crore would be needed to implement Manrega. Manrega ko implement karne ke liye 40,000 crore ki zarurat thi all over rural India ke andar. Forms about 1.5% of the GDP. Kyunki GDP ka sirf 1.5% hai. Of course, there is a scope of the raising the tax GDP ratio. ये scope भी है हमारे पास कि tax ratio को भी हम increase कर सकते हैं. Mandriga के अंदर क्या क्या measures की हमको जरूरत पड़ती है. Generation of the productive employment in the India context require the diversification of the agriculture. Agriculture को किस तरीके से diversify करना है. And also the entire rural sector और पूरे entire rural sector को किस तरीके से maintain करना है. The priority areas are the raising the farm productivity. Farm की productivity को कैसे raise कर सकते हैं. Management को कैसे improve कर सकते हैं. Micro न्यूट्रिशन वाटर्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है, एक्सपेंड कर सकते हैं हमारे इरिगेटेड एरिया को, एम्फेसिस ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव के अंदर डाल सकते हैं हम, रिक्लेमिनेशन कर सकते हैं वेस्ट लैंड्स का और इंक्रीज कर सकते हैं हमारी इनकम एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री की. All employment schemes suffer a high incidence of the leakage. High incidence leakage भी यहाँ पे generate हो रहा है. Very often the employment figures are inflated. Very often हम ये देखें कि employment जो figures है वो basically inflated ही है. Hence Each worker is to be provided with a job card. हर एक worker को एक particular job card मिलता है जो कि official records के अंदर maintain करा जाता है employment के work done के और जितने भी हम wages pay करते हैं. All the records are to be subjected to the social audits. Social audits के सारे records को maintain करा जाता है. So बस वे the utilization certificates are to be issued. जहाँ भी utilization certificates को ही issue करा जाता है सारे काम को complete होने के बाद. It is preferable to offer the guarantee to the individual rather than the household. Household से ज़्यादा preferable guarantee offers दी जाती हैं. Also the effective child care facilities should be arranged so that the women are free to take up the employment. जहाँ पे women freely हो जाती है कि employment को वो बहुत easily ले सकती है without making their children suffer, बिना किसी sufferment के. It would be better if the Manrega is integrated with the ongoing Bharat Nirman which aims at the development of the rural infrastructure. जो mainly aim डाल रहा है rural infrastructure के अंदर like irrigation, roads, water supply, electrification, housing, ये सारी चीजें maintain हो जाती है. Also the list of the permissible work would be expanded by the appropriate central government notification. Appropriate central government notification के अंदर appropriate schemes भी implement हो रही है. For instance, the type of the work which would be required in the aftermath of the disaster should be added to the list. List के अंदर ये सारी चीजें add हो जानी चाहिए.
there should be an incentive compatibility between the funding and the implementing agency. Funding or implementing agency ke andar koi na koi compatibility honi chahiye. A 90:10 center state funding ratio provide a little incentive, jo ki kam se kam incentive humko provide kare state government ka machinery ka, jo ki ensure kare ki fund ko humne dhang se spend kar rakha hai ya nahi kar rakha. MNREGA has provided as the potential to strengthen the social security in the rural India. Rural India ke andar bhi security provide kar rahe hain, community ko bhi mobilize kar rahe hain, ensure कर रहे हैं कि एक बेटर रिस्पांस उनको मिल सके, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम मेंटेन कर सकें, प्रायोरिटीज को इंश्योर कर सकें, एक बेटर गवर्नेंस को भी. वी हैव टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू चेक द रैम्पेंट करप्शन एंड स्ट्रेंथन द सोशल ऑडिट मैकेनिज्म. एक सोशल ऑडिट मैकेनिज्म भी इंप्लीमेंट हम लोग कर सकें. देयर इज अ नीड टू मूव अवे फ्रॉम अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी द the ruler frog as a client to more decentralized control over the program. Program ke andar ek decentralized control bhi hum maintain kar sake. Panchayati Raj as an institution, ek Panchayati Raj bhi establish kar sake. The panchayat should take up the mandate seriously and create the socially and the economically useful infrastructure. Ek socially infrastructure bhi hum log create kar sakte hain. There must be some arrangement whereby the panchayat can access the expertise on of line department without the pressure of these department. Bina kisi pressure ke ye departments ko bhi chala sakte hain. Also the panchayats have to prepare and maintain the self of the workers workers as a part of the overall village for development plan. Overall village development plan ke liye bhi ye maintain kar sakte hain ek alag se scheme ko. The assets maintenance responsibility should be taken up by the local people. Jo asset maintenance responsibility ye local people apne hisab se maintain kar sakte hain. To ye pura concept humne employment scheme ke bare mein discuss kar liya, MNREGA ke डिस्कस कर लिया, इसकी प्रॉब्लम्स देख ली, सजेशंस देख लिए. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.